हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का जो है होम साइंस का चैप्टर नंबर 4th। चैप्टर 4 जो है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वित्त पोषक होते हैं, ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो जो होते हैं तत्व, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर हम यहाँ पर जो है आहार के बारे में जानेंगे, उसकी पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर में बहुत और कुछ है जो आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है, MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। दोस्तों, ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। दोस्तों, आ गए हैं हमारा जो है चैप्टर 4th, आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आहार, पोषण, स्वास्थ्य क्या होती है। कहते हैं आहार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा भी रहता है। शायद यह हमारे जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक होती है आहार। आपने देखा भी होगा हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वह भोजन, कपड़ा, मकान। तो आपको पता है कि अगर आपके पास कपड़ा ना हो फिर भी आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपना जीवन यापन कर भी लोगे। अगर कोई आवास ना हो, घर ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर लोगे। लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, जिसके बिना हमारा जीवन रह नहीं सकता, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो है भोजन। कहते हैं भोजन करना प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण है। ये दुनिया में जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी लोग ऐसे गलत भी कर रहे हैं, कोई अच्छा भी कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है, जो पैसे छीन रहे हैं, कोई लूट रहा है, कोई मार रहा है, तो ये सब सबका कारण एक ही होता है, आहार। उनको आहार अपना जो होता है कैसे भी इकट्ठा करना होता है। लेकिन मैं तो उन लोगों पे दुखी होता हूँ जो लोग के पास हद से अधिक पैसे भी होते हैं और फिर भी वो क्या करते हैं, मार काट की जो है स्थिति पैदा करते हैं और गरीबों को लूटते हैं। ऐसे लोग सदैव ही मुझे दुखी करते हैं। लेकिन चलिए, ये बात तो उन लोगों को खुद ही आने वाला भविष्य में पता लग जाएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली है। लेकिन कहते हैं जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है भोजन। कहते हैं आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इसकी आवश्यकता अलग अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों को विशिष्ट कार्य भी संपन्न करने में होती है यूज़। कहते हैं तपश्चर्या कि अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषण तत्व अच्छे पोषण तत्व को होना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी पड़ जाता है। कहते हैं हमारे आहार में आवश्यक पोषण तत्व गलत मात्रा में हो
तो आवश्यकता से अधिक या कम हो तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बीमारियाँ हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको बीमारियाँ से छुटकारा पाना है तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए कहते हैं ना, बीमारी से अगर आपको बचना है तो हर एक आवश्यकती बातों पर ध्यान देना होता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम कुछ गलत भोजन कर लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और अच्छा खासा पैसा जो होता है हमें डॉक्टरों के पास देना पड़ता है, अच्छे खासा हमारा पैसा जो है हॉस्पिटल में ले लिया जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसका एक ही उपाय है कि आप चैप्टरों को अच्छे से समझिए। इसमें अगर आप समझ लीजिएगा ना, तो कहते हैं आधा बीमारी और घर के आधा पैसा आपके नष्ट होने से बच जाएगा और बीमारी से भी आप छुटकारा पा जाओगे। क्योंकि सारे चक्र जो होता है आहार पे ही आके अटकता है। क्यों? क्योंकि आहार ही हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। आपने देखा ही होगा कि आहार जब आप ग्रहण करते हो तो कुछ बच्चे जो होते हैं प्याज को अलग कर देते हैं, ठीक है, अदरक को अलग कर देते हैं, लहसुन को अलग कर देते हैं, कुछ तो टमाटर वमाटर को भी अलग कर देते हैं, कुछ मटर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसे खाना भोजन करने से आपका शरीर जो है कुछ इम्पोर्टेंट पोषक तत्व जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त उसको नहीं हो रहा है। और आप 100% है कि आप बीमार ही होने वाले हो। एक कहते हैं ना, कुछ दिन ठीक रहोगे फिर बीमार पड़ोगे, कुछ दिन ठीक रहोगे बीमार पड़ोगे। तो आहार जो होता है हमारे लिए प्रत्येक चीज़ को खाना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप शाकाहारी हो तो शाकाहारी वाले भोजन पर्याप्त मात्रा में खाओ, अगर मांसाहारी हो तो उसको अपना खा लो। देखिए अपना जैसा कहते हैं ना, जो आपकी इच्छाएं प्रकट करती है, जो आपका मन कहता है खाने को वही चीज़ खाइए। इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई कहेगा कि आप मांस मछली खा लो, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको जो भोजन आपको अच्छा लगता है, जो मन को पसंद करता है, लेकिन खाओ अच्छे से। ये नहीं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको आप परे कर दो, क्योंकि इन चीज़ों कहते हैं ना, मसाला जो होती है हर जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अदरक लहसुन, आपको पता है इसका गुण जो है कोई साइंटिस्ट से ही बता सकता है या कोई अच्छा व्यक्ति ही बता सकता है कि इसमें कितने गुण होते हैं। कई दवाइयों तो इन्हीं चीज़ों से ही बनाया जाता है और आप इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो। तो इसलिए कहते हैं अगर आप गृहिणी हो तो घर में इन सारे एलिमेंट को, सारे तत्वों को आप ज़रूर अपने भोजन में सम्मिलित करो और देखो आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो रहते हैं सदैव स्वस्थ रहेंगे, उनको किसी तरह की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम जाएगा। अब जो हम देखेंगे इस चैप्टर में जो है पहला पॉइंट यही आता है कि आहार क्या है। आहार तो आपको पता ही हो गया होगा कि फूड को कहते हैं। आहार शब्द ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए उपयुक्त होती है जो हम खाते हैं। जो भी चीज़ आप खाओ सभी आहार में आता है, तथा जो हमारे शरीर का पोषक तत्व करता है, यानी जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में, मैंने बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल, ये सारे जो होते हैं हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें ठोस, अधोष तथा तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं। इसे कहते हैं इसमें हर तरह की चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है। इस प्रकार जो है खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी आवश्यक है। कहते हैं पदार्थ खाने योग्य होना चाहिए और पदार्थ शरीर के पोषण मिलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन की मूलभूत आवश्यकताएँ क्यों माना गया है? क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी बात भी है। कहते हैं कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सके तथा जो शरीर का पोषण करे आहार कहलाता है। तो आहार का डेफिनेशन यही होता है, कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सके तथा जो शरीर के लिए पोषण तत्व प्रदान करते हैं उसे ही आहार कहते हैं। इसमें सब तत्व जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट आप खाते हो तो ये शरीर के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है और कई शरीर के जो टूट फूट होती है, कहीं कुछ ज़रूरतें होती हैं तो उनको जो है ये कंप्लीट करती है। तो भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं भोजन के कार्य क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन के कार्य के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देख चलिए देखते हैं कि हमारे भोजन के जो है पहला कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य तो यही आता है, सामाजिक कार्य। देखिए भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने में जो है सामंजस्य की भावना विकसित होती है।
विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतर्गत हिस्सा होती है। आपने देखा ही होगा कि बच्चे के जन्मदिन पर या परिवार में शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर दावत दी जाती है और इसमें जो है सुस्वाद व्यंजन खिलाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में भी भोजन का विशेष महत्व रहता है। आपको पता है कई धर्मों में तो लंगर नाम की प्रथाएँ भी चलाई गई है, जिसे भोजन जो व्यक्ति है साथ में बैठ के ग्रहण करते हैं और जो है भाईचारा का जो है संदेश भी देते हैं। तो भोजन सामाजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि भोजन आपको पता है कि भोजन के बिना विवाह संभव नहीं होती है। ठीक है, कोई भी बेशक कैसे भी मैरिज हो, कहते हैं जब तक 10 बंदे आके खाना नहीं खाते तब तक मैरिज को कंप्लीट नहीं समझा जाता है। कोई भी बारात जाता है, कोई भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम भोजन पे ही ध्यान देते हैं। कहीं लंगर चल रहा हो तो लंगर पे ध्यान देने लग जाते हैं, कहीं पार्टी जाते हैं तो पार्टी में हम हर तरह के भोजन का जो है स्वाद लेते हैं। तो कहते हैं सामाजिक तौर पर जो है भोजन का अपना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भोजन के बिना जो है कोई भी समारोह होना संभव नहीं माना जाता है। उसके पश्चात जो है मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए, हम सबके कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती है, जैसे सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक माध्यम होता है। उदाहरण, जब आपकी माँ आपको पसंद का भोजन तैयार करती है तब आपको कैसा लगता है? आपको महसूस होता है कि माँ आपको प्यार करती है और उसका ध्यान रखती भी है। कभी कभी भोजन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। क्या आपको याद है कि जब आप बच्चे को अच्छे कार्य करने पर इनाम के रूप में चॉकलेट दे दी हो? इसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे खिचड़ी या सादा भोजन। युवावस्था में जो है दृढ़ की अनुभूति भी रहती है। तो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको पता ही है कि अगर आपके घर में दो बच्चे होते हैं तो आप क्या कहते हो, जो पहले काम कर लेगा स्कूल को उसको जो है हम अच्छे खाना खिलाएंगे, हम ये खाना खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तो बच्चे जो है मानसिक तौर पर कार्य जो है संपन्न कर लेते हैं। तो आज मानसिक मनोवैज्ञानिक में भी जो है भोजन का अपना एक महत्व रखता है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रह जाता है। अंततः जो कहा जा सकता है कि उस समय दिया गया भोजन भी मनोवैज्ञानिक के रूप से उन्हीं भावनाओं से जुड़ जाता है। उसके पश्चात है शारीरिक कार्य। देखिए, शारीरिक कार्य में जो भोजन है वही महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते हैं भोजन हमारे शरीर के लिए तीन विशिष्ट कार्य करते हैं। ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, शारीरिक विकास करना होता है, और शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना और रोगों से सुरक्षा रखना। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। आपको पता है कि हमारे शरीर में जब तक भोजन आप ग्रहण नहीं करोगे, हमारे टूट फूट कहीं भी चोट लग जाती है, तो इसके मरम्मत के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी यही बात कहता है, कभी भी दवाई लेते हो, कहते हो खाते हो दवाई, तो डॉक्टर क्या कहता है, भोजन करने के पश्चात आप इसको दवाई को लेना। देखिए दोस्तों, अगर आप भोजन करने के बाद दवाई नहीं लीजिएगा तो दवाई का कोई असर नहीं होगा, आप जो होगे बीमार से बीमार ही रहोगे, क्योंकि भोजन जो होता है हमें ऊर्जा देता है और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके दवाई जो होता है हमारे शरीर को बचाता है। तो इसलिए भोजन जो है कई मायनों में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले बात तो यही आती है कि भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन ऊर्जा प्रदान कैसे करता है देखते हैं। कहते हैं जब प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, घर या बाहर कहीं भी घूमने, खाने, काम करने, सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन आप करते हैं उसे यह शक्ति प्राप्त होती है। विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ क्रिया निरंतर होती रहती है, जैसे हृदय द्वारा रक्त संचलन, उदर द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़े द्वारा श्वसन क्रियाएं आदि, सभी को अपनी अपनी क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन हमें यह शक्ति देती है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप सोचते होगे कि हम दवाई सो जाते हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भोजन जो हमारे शरीर, जब तक आप जिंदा हो, हर समय भोजन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान करता रहता है। सोए भी रहते हो फिर भी आपको पता है कि बॉडी बेसिकली रिलैक्सेशन में रहती है, बट आपके जो हृदय है वो धड़कता रहता है, आपकी पाचन शक्ति जो होती है काम कर रही होती है, और आपको पता है श्वसन सांस की जो है चलती रहती है, फेफड़े लंग्स काम करते रहते हैं। तो इन सब को कार्य करने के लिए भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होना तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी ऊर्जा जो है हमें भोजन से ही प्राप्त होती है, इसलिए भोजन हमारे लिए जो है प्राथमिक इकाई में से माना जाता है। उसके पश्चात है भोजन शरीर के विकास में सहायक होता है।
देखिए दोस्तों, ये बात तो 100% सही है कि भोजन शरीर के विकास में सहायक होता है। अगर आप देखते हो कोई बच्चा अगर मितव्यापी अगर नहीं खाना भोजन ग्रहण कर रहा है तो देखते हो कितने पतले हड्डी सा रहते हैं। अगर भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो उसका शरीर में जो है ऐसा ही बना रहेगा और वो बहुत उसके लिए जो है खतरनाक आगे सिद्ध हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिशु व्यस्क कैसे बन जाता है? हमारे शरीर हजारों छोटी छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बना है। आपको पता है ना कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम बहुत सी कोशिकाएं मिलकर हमें बनाया है। शरीर के विकसित करने के लिए नई नई कोशिका बनती रहती है और इन कोशिकाओं के बनने में भोजन का प्रमुख योगदान होता है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब इसकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं की मरम्मत भोजन द्वारा होती है। इस प्रकार भोजन शरीर को बनाने और विकसित करने और उसको ठीक करने का कार्य भी करती है। तो आप कह सकते हो ना कि भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो भोजन के ही कारण होते हैं। आपको कहीं चोट लगता है तो देखते हो खून का रिसाव होता है और कुछ समय के बाद जो होती है उसमें एक परत सी चढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? तो सारे भोजन का ही कारनामा होता है। कहते हैं भोजन ऐसा चीज होती है जो हमारे शरीर को गतिमान देती है। जैसे मान लो पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार जो है भोजन के बिना हमारा शरीर जो है नहीं चल सकता। अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे पर्याप्त मात्रा में तो आप बीमार ही बीमार रहोगे और अंत में आप तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट क्या हो आता है। तो इसलिए जो है कभी भी समय पे ही भोजन ग्रहण करें। समय कहते हैं ना, काम तो हमें जीवन भर करना है बट भोजन भी करना है, तो अब भोजन करिएगा तभी जो है आपको जो है ऊर्जा प्राप्त होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में भी ऐसा ही होता है, भोजन का जैसे ही टाइमिंग होता है लोग सारे काम धंधे छोड़ के भोजन ग्रहण करने चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे उनके में ताजगी नहीं आएगी, वो नया जो है संचार शक्ति से कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट में यही आता है कि भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित करती है तथा रोग से शरीर की रक्षा भी करती है। तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये रोगों से भी हमारी सुरक्षा करता है। अगर देखिए, अभी कोरोना भी था, कुछ भी था, कोरोना वायरस में जब लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो उस समय एक ही बात बोली जा रही थी, हर एक साइंटिस्ट, हर एक वैज्ञानिक, हर एक महर्षि, हर एक विद्वान से एक ही बात आप सुन रहे होंगे कि अगर जिसके ह्यूमन सिस्टम तगड़ा है उसको कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आखिर ह्यूमन सिस्टम तगड़ा कैसे होता है? क्या स्पेशल आप च्यवनप्राश खाते हो तभी ह्यूमन सिस्टम तगड़ा हो जाता है? क्या आपको लगता है हनी खाने से ह्यूमन सिस्टम तगड़ा हो जाता है, या आपको ये स्पेशल दवाई खाने से ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में समय समय और समय के साथ और नियमित रूप से जो अच्छे भोजन ग्रहण करता है और सुचारू रूप से खाना अपना ग्रहण करता है, उसी को ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है। ठीक है, कहते हैं बहुत से लोग जो थे जिनको कोरोना वायरस हुआ भी है उनको पता भी नहीं लगा, तो इसका कारण ये था कि उन्होंने अपना दिनचर्या जो है और उनका भोजन का शेड्यूल जो है उस समय के साथ था। कहते हैं ये वायरस आता ही रहेगा और आपको परेशान करता ही रहेगा, लेकिन जीवन में वही बना रह सकता है जो भोजन का कद्र समझता हो और भोजन के महत्व देता हो और समय समय पर अपना भोजन ग्रहण करता हो। कहते हैं अगर आप बीमारी छुटकारा पाना चाहते हो तो भोजन जो है सही समय पर कीजिए, इससे आपको रोग से लड़ने की क्षमता सदैव ही भोजन आपको प्रदान करता रहेगा, क्योंकि भोजन ही के बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप देखते भी होगी जीव जंतु जो होते हैं उनका कोई डॉक्टर नहीं होता, उनको इलाज कोई करता नहीं है, फिर भी वो कैसे जो है ठीक हो जाते हैं, कैसे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, ये कभी माइंड पे सोच के देखना। कहते हैं ये जीव जंतु जो होते हैं हमसे बहुत तेज होते हैं, वो जो होते हैं कुछ खा पी के ही अपने शरीर को बूस्ट कर लेते हैं, खा पी के ही जो होता है उनको पता होता है कि हम ये भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, तो वही पेड़ पौधे खाते हैं जिनसे उनको जो है पूरी तरह से एनर्जी मिल जाता है। तो यही बात है इंसान पे भी लागू होता है। अगर इंसान भी जो है पहले के समय में कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं हुआ करता था जब ये जो ये आदि मानव हुआ करते थे, तो उस समय आपको पता ही वो लोग भी ऐसे ही भोजन ग्रहण करके अपने बॉडी को जो थे स्वस्थ करते थे। तो वही बात है ना, आप अपने आप को जो है मॉडर्नाइज समझ रहे हो, अपने आप को आधुनिक युग के मानव समझ रहे हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बेशक लिए आधुनिक हो गए हैं लेकिन कहते हैं ना हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो पुरातन समय से लेके आज तक लोग जो थे भोजन पर ही आश्रय हैं, कोई और चीज़ पर आश्रित नहीं हुए हैं। देखिए दुनिया में आपके पास घर उस समय नहीं रहा था, आज आपके पास घर है, मकान है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन भोजन का रूप तो वही है ना,
भोजन तो पहले भी फल फ्रूट सब्जी के रूप में था, आज भी फल फ्रूट सब्जी के रूप में है। हाँ बेशकली आपने नई नई वैरायटी जो है बना लिया है, नए नए चीज़ों का विकास कर लिया है, तो ये चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन भोजन का कार्य पहले भी वही था और आज भी वही है। मैंने कहा ना कि अगर मेरी बातों को अगर आप समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आपको कहते हैं ना कभी जीवन में बीमार हो ही नहीं सकते। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये बात को भली भांति जानता भी हूँ। तो इसमें चलिए, तो बात था एक अच्छाई था, लेकिन बात यहाँ रोग से शरीर की रक्षा की करने की है। कहते हैं शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों तथा उनके कीटाणुओं को लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। देखिए मैं जो बात आपको समझाया हूँ वो सारी बात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आ रही है कि कीटाणु से लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। हमारे शरीर में जो क्रिया निरंतर स्वयं हो जाती है, उनका नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से चलना हमारे भोजन पर ही निर्भर होती है। श्वसन क्रियाएँ या रक्त संचलन, पाचन, मल निष्कर्षण से ये सब क्रियाएँ भोजन द्वारा ही व्यवस्थित होती है, नियमित होती है। हमारे शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस हो रहता है। इस प्रकार हृदय की गति जो लगभग है 72 मिनट रहती है, यानी एक मिनट में 72 बार धड़कती है। तो दोस्तों यहाँ बात, यहाँ साफ शब्दों में यही बात कही गई है कि हमारे शरीर की जो होती है, आपको पता है कि हमारे शरीर के जो तापमान होती है वो 37 सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में नापते हो तो 98.6 डिग्री होना चाहिए। हमारा हृदय जो होता है एक मिनट में 72 बार जर्नली धड़कता है। जब आप कुछ उच्च कार्य करने लग जाते हो तब इसकी धड़कन जो है तेज हो जाती है। तो कहते हैं सारे चीज़ों के लिए जो है, जो हमारे शरीर के लिए जो है भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कहते शरीर की जो है मल निष्कर्षण नियमित रूप से होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों कहते हैं जो मल कब निकलती है, यानी बॉडी में आप कब लैट्रिन जाते हो, इसका अपना जो एक महत्व रखता है। कई कई व्यक्ति जो होते हैं अपने कब्ज के शिकायत से बने रहते हैं। तो आखिर इन कब्ज की शिकायत इनको क्यों हुआ? आपको पता है कब्ज को उनको शिकायत रहता है जो है रेशेदार सब्जी ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो सलाद नहीं खाते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत हो तो आप लेते हो चूर्ण खा लेते हो, तो ये दवाई खा लेते हो। अगर वही दवाई या चूर्ण के जगह पर अगर आपने सलाद खा लिया होता या रेशेदार सब्जी खा लिया होता, आप सोचोगे कि रेशेदार सब्जी में होती क्या है? तो तोरी आपको पता ही है, तोरी होती है जिसको कई लैंग्वेज में, अपने अपने लैंग्वेज में, अपना अपना वर्डिंग में इसको कहते होंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इसको तोरी नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, जैसे हो गया, और जैसे सलाद हो गया। तो ये सलाद जो होती है हमारे शरीर के मल त्यागने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आप लोग क्या करते हो, सलाद को पड़े मारते हो, ये चीज़ें नहीं करते हो, तो उसके दवाई तो आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना पढ़ाई लिखाई का मतलब सदैव ही होता है कि आप समझदार बनो। मैंने कहा ना जो मेरी वीडियो देखते हैं समझते हैं उनको जीवन में कभी किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हम जो है उसी रूल रेगुलेशन पे चलते हैं। और आप सोचते होगा कि ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, नहीं दोस्तों, इवन कि मैं अपने ऊपर भी इसको लागू करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े चाहे PhD हो चाहे कुछ भी बंदे हो, कहते हैं अपनी दिनचर्या अगर सही नहीं रखेंगे तो उनके सारे जो है कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने बहुत तरक्की किया है, बहुत बिजी बंदे हो, इतने बिजी हो कि आपके पास एक सेकंड भी आपको खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप बीमार पड़ जाओगे ना तो बिस्तर जो होगा आपके सारे काम को बेकार कर देगा। कहाँ आप इतने बिजी थे और अब आप क्या हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। तो कहते ना जो चिंता आपने उस काम में दिखाई थी, अगर वही थोड़ा सा समय निकाल के भोजन अगर सुचारू रूप से खाते तो अब आपका काम नहीं रुकता। तो कहते ना अगर काम करना सच्चे ढंग से रूल रेगुलेशन से है तो प्रतिदिन जो है भोजन सही ढंग से भी करना भी ज़रूरी है। तो ये सब बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये आपके लिए भी। कहते यदि ऐसा नहीं होता तो कई गड़बड़ियाँ हो सकती है, जैसे कब्ज का रोग, भोजन द्वारा ही समस्त जो है कार्य सुचारू और नियमित से चलती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। ये बात कब्ज की रहती है तो कब्ज के लिए आपको पता ही है कि आपने क्या करना है और अपने जो है परिवार के बड़े सदस्यों को क्या सलाह देना है, आप कहने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। भोजन जो होता है दोस्तों, आपको जैसे देख ही रहे होगे, ये सोशल और जो है साइकोलॉजिकली हमारी जो है बहुत हेल्प करती है। ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करती है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है।
भोजन करने से आपको, जैसे आपको पता ही है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिवन होती है, ग्रोथ होता है। आप जैसे छोटे से बच्चे होते हो और बच्चे से जो होते हो आप व्यस्क बन जाते हो, तो ये सारे जो होते हैं भोजन का ही परिणाम स्वरूप होता है। भोजन के कारण ही आपको स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, भोजन के ही कारण आप रेगुलरली, यानी जो आपका बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से चलता है और आप स्वस्थ रहते हो। आगे जो हम करेंगे दोस्तों, ये करेंगे पोषण तथा पोषक तत्व। देखिए पोषण तथा पोषक तत्व जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पोषण, देखिए पोषण और पोषक ये दो अलग वर्ड है, ठीक है, दोनों को आप एक नहीं समझिएगा। पोषण जिसे हमें पोषण होती है, पोषक तत्व आपको पता है पोषक तत्व के जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है पोषण के बारे में पढ़े कि आखिर पोषण होती क्या है। पोषण के बारे में आप क्या कह सकती हो, हम सभी भोजन करते हैं, करते ही हैं। भोजन शरीर का जो है पोषण करता है, शरीर के स्वास्थ्य भी रखता है। हम जो भोजन करते हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, और शरीर के विभिन्न भागों में जो है रक्त संचलन द्वारा प्रयुक्त होती है। जिस भोजन का पाचन का अवशोषण नहीं हो पाता है वो निष्क्रिय कर देता है, यानी जहाँ पाचन नहीं होता है वहाँ पर जो है आपको पता है पेट खराब हो जाती है, आपका लू मोशन के शिकार हो जाते हो। तो जो पोषण जो है पाचन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय कर देता है आपके शरीर को। कहते हैं भोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। देखिए पोषण एक प्रक्रिया है, ये आपका डेफिनेशन है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसका उपयोग में लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोषण कहते हैं। तो पोषण आप माइंड से भूलना नहीं है, पोषण आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसमें उपयोग में भी लाया जाता है। कहते हैं भोजन जो है कुछ प्रक्रिया से गुजरती है, जैसे आपको पता है पोषण है भोजन खाना, फिर उसको पचाना, फिर रक्त में घुलना, विभिन्न अंगों में पहुंचाना और शरीर द्वारा प्रयुक्त होना। आपको पता है कि जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो ये हमारा सबसे पहले जो है पाचन तंत्र में जाती है, यानी आपका जो है स्टमक में जाती है, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर सारे तरह के जो है आपको पैंक्रियास ग्लैंड जो होती है वहाँ पर एसिड देती है। एसिड की वजह से क्या होता है, खाना जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर उसके बाद जो होता है छोटी या बड़ी में, पहले छोटी में जाती है फिर बड़ी जो है आपको इंस्टाइन में जाती है। यहाँ पर से जो होता है सारे रस को जो है पानी को निचोड़ दिया जाता है और निचोड़ के किडनी को भेज दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो निचोड़ दिया जाता है और जो बेस्ट मटेरियल रह गया, यानी ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में जो रहता है मटेरियल, वो बॉडी के अंश के थ्रू निकल जाता है, गुर्दा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। और जो ये पानी के फॉर्म में जिसको हमने निचोड़ लिया है और जिसको किडनी को भेजा गया है, और आपको पता है किडनी का काम जो होता है वो क्या करता है, उसमें से पोषण तत्व को छानता है यानी फिल्टर करता है, और पोषण तत्व को फिल्टर करके उसको जो है ब्लड में कन्वर्ट करके आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में भेजता है, ठीक है। जब ये न्यूट्रल हो जाती है, जब यूज़ हो जाते हैं, जब ये ब्लड के रूप में यूज़ कर लेती हो, तो ये जो होता है हृदय को भेजता है, और वहाँ हार्ट जो होता है वो हार्ट जो होता है आपको लंग्स को भेजता है, और लंग्स में जैसे वो ब्लड जाता है तो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, तो ऑक्सीजन जैसे ही ग्रहण करते हो तो वो ब्लड को क्या कर देता है, प्यूरीफायर कर देता है, यानी साफ कर देता है। उसमें जो कि डी ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड होते हैं तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन मिला के फिर वो हृदय को भेजता है, और हृदय पंचिंग करके यानी पंपिंग करके बॉडी के फिर डिफरेंट पार्टों में भेजता है। तो कहते हैं इस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है और पोषण तत्व की जो संचरण कैसी होती है, मैंने हर एक बात आपको बारीकी से समझाया है, तो इस बात को आप जरूर समझिएगा। और कोई क्वेश्चन करे कि हमारे शरीर में जो है भोजन कैसे कार्य करता है तो आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं पोषण तत्व तथा उनके कार्य क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में जो है नीत पोषक तत्व द्वारा शरीर के पोषण मिलता है। प्रश्न यह है कि यह पोषक तत्व कौन से हैं। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। देखिए पोषक तत्व जो होता है भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सारे के सारे जो है रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, और यही चीज़ जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती है। अब इसमें जो पोषक तत्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विहित पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें जो आप कह सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में माइक्रो और मैक्रो,
आप सोचिएगा दोनों वर्ड सेम है, नहीं दोस्तों, पहला जो है एम आई सी आर ओ माइक्रो है और ये जो है एम ए आर सी ओ, यानी इसमें आई और इसमें ए का अंतर है। तो कहते हैं कि इसको हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं और ये जो होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो, एम आई आर सी ओ माइक्रो एम आई में आ गया, और ऊपर वाला जो होता है यानी वृहद पोषक में क्या होता है एम ए में आ जाता है। तो ये जो होते हैं वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और सूक्ष्म तत्व जो होती है बहुत ही कम अमाउंट में आवश्यक होती है। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं और क्या हम जान सकते हैं। कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए वृहद एवं सूक्ष्म दोनों की पोषक तत्व आवश्यक है, शरीर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे जो आते हैं वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रो, एम ए सी आर ओ मैक्रो, ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट, ठीक है, ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित कर रहते हैं। मैंने पहले कहा था कि जो वृहद होते हैं अधिक मात्रा में हमें चाहिए होता है और ये शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक भी होता है। इसका जो एग्जांपल है इसमें जो कौन कौन तत्व आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल वृहद पोषक तत्व श्रेणी में आते हैं। याद रखना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं तेल वृहद पोषक तत्व के में आते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आप शकरा भी कहते हो, शकरा मतलब चीनी में भी काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है, यानी कहते हैं प्रायः कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, कंद, अनाज, दाल, आलू में बड़ी मात्रा में शकरा होती है। ये साधारण शकरा के रूप में चीनी, गुड़, फल, शहद और दूध में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। स्टार्च और शकरा आसानी से पचे होती है व शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो होती है हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात है प्रायः शकरा अथवा आहारी रेशे। देखिए इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भोजन में जो है सेलुलोज तथा हेमुलोज़ के रूप में पाए जाते हैं जो कि शरीर द्वारा अपाच्य होते हैं। इसमें मल की वृद्धि होती है तथा इसमें मल निष्कर्षण में मदद मिलती है। मैंने अभी कहा भी था आपको कि ये रेशे होते हैं दोस्तों, फाइबर होते हैं, ठीक है। फाइबर का काम जो होता है जो सेलुलोज और हेमुलोज़ में के रूप में पाए जाते हैं। ये शरीर द्वारा पाचन नहीं किए जाते हैं और ये क्या करते हैं अपाच्य होते हैं, और शरीर में जो भोजन होती है जो आपके मल होते हैं उसको अच्छे से बॉडी से बाहर निकालने में इनका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तभी मैं शुरू में कहा था ना कि रेशेदार सब्जी हमारे जो है मल त्यागने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत रहता है, उनको लैट्रिन साफ नहीं होती है, तो उनको रेशेदार सब्जियाँ खाने की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि रेशेदार सब्जी होती क्या है, ये मैंने पहले वीडियो में सारी बातें जो है पहले बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको दो राय नहीं होना चाहिए। कहते हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु शकरा ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे सस्ता स्रोत है, ठीक है। शकरा यानी आप जो चीनी, गुड़ खाते हो बहुत सस्ता स्रोत होता है। यदि आपके शरीर में शकरा तथा वसा से पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तब शरीर में प्रोटीन ऊर्जा लेने का काम करते हैं। अंत प्रोटीन से शरीर की जो है उचित संचरण हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहे। देखिए दोस्तों, सभी एलिमेंट जो है हमारे शरीर में अपना एक विशिष्ट योगदान प्रदान करती है। कहते हैं कैलोरी भोजन में ऊर्जा का एक मापक है। देखिए दोस्तों, कैलोरी के बाद यहाँ पर आया है तो आपको पता है हमें कितने मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये कैलोरी की गणना करने से हमें पता लगता है। देखिए सिंपल सी बात जो जनरली मैं बताना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं चाहे गांव क्षेत्र में, सबसे पहले गांव क्षेत्र में जो रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि इस गांव में इतना अधिक क्यों, क्योंकि गांव के लोग जो है मेहनत करते हैं इनके लिए, इसलिए उनको 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहरों में जो है बैठने वाला काम होता है तो 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। आप सोचिएगा कि कैलोरी हमें कैसे पता लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एक चपाती खाते हो तो कम से कम है 50-100 जो है आपको कैलोरी प्राप्त हो जाती है। वो डिपेंड करता है जो है आपकी रोटी की थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो इसी से आप गणना कर लोगे कितना आप कैलोरी आपने ग्रहण किया है। तो इसलिए कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्य इस प्रकार है। आप देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्य ये होता है कि शकरा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये उचित मात्रा में शकरा के प्रयोग से भोजन की बचत शरीर संरचना के लिए भी आवश्यक होता है। कहते हैं आहारी रेशे मल वृद्धि करके मल त्याग की प्रक्रिया का आसान कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट कई मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है। 1 ग्राम शकरा से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिए 1 ग्राम
शकरा खाने से आपको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसी हिसाब से आप कैलोरी की गणना भी कर सकती हो। अब शकरा के आहारी स्रोत्र क्या है? देखिए, शकरा आपको कहाँ से मिलता है? अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि, या आप कह सकते हो कंद मूल, आलू, शकरा कंदी, चुकंदर और टैफियोका, या हो सकता है शकरा ले लो, गुड़ ले लो, दालें, राजमा, चना तथा अन्य सभी दालों में जो है शकरा जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके पश्चात जो है प्रोटीन है। देखिए, शरीर संरचना के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितना मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कहते हैं प्रोटीन छोटे छोटे पदार्थों से जिन्हें आसान अमीनो एसिड कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं, मिलकर बनते हैं। ये कुल 22 होते हैं, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारी शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। इन्हें आवश्यक यानी अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें भोजन से भी प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अन्य सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर बना लेता है। देखिए, अमीनो एसिड बहुत से जो है बना लेता है, और जो 8 ऐसे होते हैं जिनको बनाना इसके लिए संभव नहीं होता है। तो वो हमें जो होता है भोजन से प्राप्त होता है, जिससे हमें शरीर स्वस्थ रहता है। अब प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला प्रोटीन कार्य तो यही आता है कि शरीर के तंतुओं की वृद्धि, मरम्मत तथा रख रखाव के लिए भी आवश्यक होता है। यानी शरीर के जो फाइबर्स होते हैं उनको ये मरम्मत करता है। एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन तथा प्रतिपिंड, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। देखिए, एंटीबॉडी तो आपने नाम सुना ही होगा। कहते कोरोना वायरस को मारने के लिए साइंटिस्टों ने एंटीबॉडी बनाया, और आप देखिए एंटीबॉडी हमें किससे मिल रही है? प्रोटीन से। तो समझ सकते हो ना कि हमारे लिए जो है भोजन कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, एंजाइम, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को खून भी कहते हैं, यानी ठीक है, यानी एंटीबॉडी बनाने में जो है प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद है रक्त जमाव में भी सहायक होता है। रक्त जमाव का मतलब होता है कि अगर आपका खून जो है बह रहा है, तो आपको पता है अगर इंसानों के अंदर से खून बहता ही चला गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको मृत्यु ना हो इसलिए क्या करता है, रक्त जमाव में जो है प्रोटीन सहायक होता है। जैसे आपको कट लगता है, चंद सेकेंड के लिए खून बहता है, उसके बाद जो है वहाँ पर एक क्लोटिंग पड़ जाती है, यानी खून जो होता है थक्का हो जाता है। तो इसका कारण जो होता है प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो फैब्रिक्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन अदा करती हैं। तो आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब आपको पता है कि जब आपको अधिक काम करने की आवश्यकता होती है, तो ये प्रोटीन जो है हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। अब इसके स्रोत क्या है? तो स्रोत आसानी से आप जान सकते हो कि मांस, मुर्गे, मछली, अंडे, दूध, चीज, पनीर, दही, सोयाबीन, मटर, दालें, अनाज, सूखे मेवे, तिलहन जैसे तिल, मूंगफली आदि, ये सारे जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। उसके पश्चात है विशेषताएं। देखिए क्या है विशेषताएं? पशुओं से प्राप्त प्रोटीन जैसे मांस, अंडा, दूध आदि, वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन जैसे दाल, अनाज आदि अपेक्षा बेहतर गुणवत्ता वाले होते हैं। प्रत्येक आहार में एक या अधिक जो है प्रोटीन के स्रोत का जो है समावेश करने से हमें पर्याप्त मात्रा में जो है प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। कहते हैं यहाँ एक बात जानने वाली है, जब शरीर को उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा नहीं मिलते हैं, तो प्रोटीन ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तथा वह शरीर संरचना जैसे जुड़ी कार्य के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसके पश्चात जो है वसा व तेल। देखिए, वसा और तेल का मतलब समझ ही गए होगे। जो भी आपको चिपचिपाहट वाली पदार्थ आप ग्रहण करते हो वो सारे वसा ही कहलाता है। चाहे वो तेल हो, चाहे आपका कोई भी चीज़ हो, चाहे हनी हो, जो भी, चाहे आपका गाय का घी हो, जो भी हो जिसमें चिपचिपाहट सा होता है, वो सारे के सारे जो होते हैं वसा होता है। इवन आपको जो सरसों तेल यूज़ करते हो वो भी वसा में ही आता है। तो कहते हैं वसा व तेल हमारे शरीर में ऊर्जा के जो है केंद्रभूत स्रोत है। 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, सब में 4 था ये था, लेकिन तेल जो होती है डायरेक्ट आपको 2 गुना से 3 गुना ऊर्जा देती है। तभी कहते हैं ना जो आजकल ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है, मोटापा का जो प्रॉब्लम होता है, वो अधिक वसा खाने से होता है। और वसा आप लोगों को पता है कि बर्गर, नूडल, ये सब में इतने तेल डाले जाते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं होता, और आप लोग बड़े ही चाव से खाते हो, और मोटापा का सबसे बड़ा कारण और बीमारी का सबसे बड़ा जड़ यही बनता है। तो कहते हैं 1 ग्राम अगर वसा लेते हो तो आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा छोटी से छोटी इकाई जिन्हें
फैटी एसिड भी कहते हैं से मिलकर बना होता है। भाषा के प्राकृतिक उनमें उपस्थित फैटी एसिड पर निर्भर करता है। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। देखिए संतृप्त का मतलब होता है जो है सेंचुरेट यानी वासी अम्बल फैटी एसिड ठोस भाषा में पाए जाते हैं, और असंतृप्त जो होते हैं वासी अम्बल तेल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वनस्पति तेलों में जो है असंतृप्त वासी अम्बल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि वासा तेल में क्या अंतर है? जब कोई पदार्थ कमरे के सामान्य तापमान पर तरल होता है तो तेल कहलाता है, ठीक है, और कमरे के तापमान पर ठोस होता है तो वो वासा कहलाता है। कमरे के तापमान में अगर कोई ठोस होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वासा है। जैसे आपने देखा होगा डल्डा, डल्डा आप लाते हो ना, गगन डल्डा, ये डल्डा, जो बहुत से नाम होते हैं डल्डा का, देखते हो कि जब के वो गर्मी रहता है तो वो पिघल जाता है, लेकिन जैसे कमरे के तापमान पर रहता है तो वो जम जाता है। जो जम गया समझिए वही वासा है, लेकिन कई कई बार जो है नहीं जमता है। कारण इसका ये होता है कि आजकल जो है बेचने वाला भी बहुत तेज है, वो क्या करते हैं ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो इसकी रिएक्शन ही होने नहीं देती और वो जमते ही नहीं है। आज ऐसे बहुत से तेल हैं जो डुप्लीकेट तेल हैं फिर भी जो है अच्छे अच्छे दामों में जो है बिक रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वासा तथा तेल के स्रोत व कार्य। देखिए इसमें जो है कार्य क्या होता है, ऊर्जा का केंद्रभूत स्रोत होता है हमारा वासा जो है सबसे अधिक, ठीक है। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में भी होने वाले प्रयोग को कम करता है, यानी प्रोटीन जो होता है का ऊर्जा के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। वासा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, याद रखना दोस्तों, ये वासा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं कौन होते हैं, यानी सोलेबल इन द फैट, इट इज़ अ ए डी ई के, याद रखना जो वासा में घुलनशील विटामिन है वो कौन है, ए डी ई के, को पूर्ण शरीर में पहुंचाता है और इसको अवशोषण में भी मदद करता है। शरीर का तापमान बनाए रखता है, तत्वों के नीचे वासा शरीर को गर्मी को बनाए रखने में मदद करता है। आपको जो गर्म महसूस होता है सर्दियों में वो सब वासा के कारण ही होता है। कोमल बल महत्वपूर्ण शरीर अंगों को संरक्षण भी देता है, तत्व के विकास में भी सहायता करता है, यानी बहुत से तंतु यानी शरीर के विकास में वासा जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ तभी फायदेमंद होती है जब वो पर्याप्त मात्रा में हो। कहते हैं वासा अगर हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाए तो हमें 100,000 बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वही अगर सही मायने में आपके बॉडी में रहेगा तो आपको अच्छा होगा, आपको साथ बुरा नहीं होगा। उसके पश्चात जो है सोत्र। अब देखिए सोत्र में क्या आ जाता है, वनस्पति तेल आ जाती है, घी, मक्खन, तिलहन, मूंगफली, मांस, मुर्गी, ठीक है, मछली, अंडे, दूध, पनीर, चीज़। देखिए सब में तेल की मात्रा होती है, इसलिए इसमें वनस्पति सब के सब जो है ऑयली पदार्थ ही है, जिसमें आपको अधिक मात्रा में जो है वासा प्राप्त होती है। तभी कहते हैं ना वासा को थोड़ा कम अमाउंट में लेना चाहिए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी। यानी जो ये जो होता है अधिक मात्रा में तेल लेने से आपके जो नर्व्स होते हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई आपके बॉडी तक पहुँचती है वहाँ पर जो होता है फैट जम जाता है, और इसी फैट जम जाने के कारण ही आपको हार्ट अटैक या हार्ट अटैक होती है, और आप जो होते हो आपके बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य करना भी बंद कर देता है, यानी लकवा का भी कारण बन जाता है। तो कहते हैं ना पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ समझोगे। उसके पश्चात है विशेषता। देखिए वासा से भोजन में स्वाद, पाचनशीलता व सुंदरता बढ़ती है। वासा से पेट भरे रहने की अनुभूति होती है, यह ज़्यादा देर तक पेट में ठहरता है। आपने इस पे एक बात देखा होगा कि आपने साधारण रोटी खाया होगा, नॉर्मल रोटी, तो उसके भूख जो होता है आपको 12 बजे फटक से लग जाती है, लेकिन वही अगर आपने पूरी खा के घर से गए होगे तो आपको जो है रात तक भूख नहीं लगती। कारण क्या होता है दोस्तों, समझ गए होगे ना कि उसमें क्या होता है वासा, पूरी में क्या होता है वासा बना होता है, तेल में जो है ताला हुआ होता है, तो इसके तेल जो होता है हमारे बॉडी अब्सॉर्ब जल्दी नहीं कर पाता है और आपको जो है कई घंटों तक आपको भूख नहीं लगती है। इवन जब आप रोटी खाते हो, सिंपल रोटी खाते हो, साधारण रोटी खाते हो, तो उसमें वासा नहीं होती है और वो आपको जल्दी ही पाच्य हो जाता है और आपको जो है दूसरा खाना खाने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी माइक्रो, MICRO, माइक्रो पोषक यानी पोषण एलिमेंट। तो ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं, ये बहुत ही हमारे शरीर में कम मात्रा में जरूरत पड़ती है पर शरीर के लिए आवश्यक होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये डेफिनेशन है।
खनिज और जो है विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व के श्रेणी में आते हैं। यदि यह सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाए तो कुछ रोग होने की संभावना सदैव बनी रहती है। कहते हैं खनिज तथा विटामिन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज और विटामिन कौन दोस्तों? खनिज और विटामिन जो है इसके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इसमें जो है विटामिन क्या कहता है देखते हैं। विटामिन हमारे शरीर में जो है विटामिन अति अल्प मात्रा में रहते हैं, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर के सभी कार्य में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, भाषा में घुलनशील, ये आपको पता ही होगा, मैंने अभी समझाया था कुछ देर पहले, ए डी ई और के होता है, और पानी में जो घुलनशील होता है वो होता है बी और सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा में घुलनशील कौन होता है? ए डी ई और के, और पानी में घुलनशील कौन होता है? बी और सी। तो देखिए, चलिए देखते हैं इनके कार्य क्या है। इसमें सबसे पहले तो यही आता है विटामिन ए। देखिए, ये जो होता है, जो कार्य जो होता है नेत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसका स्रोत जो होता है जिगर, अंडा, मछली, तेल, दूध और दूध के उत्पाद, और हरी जो है पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी इत्यादि। उसके बाद जो है यह हमारे त्वचा, नाक, मुँह, गले, आँख, कान, फेफड़े और अन्य अंगों के अंदर की परतों को स्वस्थ रखता है। देखिए, इतने सारे जो है इसके कार्य होते हैं। ये पीले लाल फल और सब्जी जैसे पपीता, संतरा, गाजर, काशीफल, आम आदि में ये पाया जाता है। उसके पश्चात है विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका सबसे अच्छा जो है स्रोत जो होता है सूर्य के प्रकाश ही होता है। कहते हैं दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें सूरज की रोशनी में त्वचा द्वारा निर्मित की जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में उपयोग और आवश्यक करने में मदद भी करता है। जैसे अंडे, जिगर, मछली, तेल तथा दूध, मक्खन भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। इसमें रिफाइंड तेल और घी जो कि विटामिन डी के मिश्रित होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी जो होता है ये अगर आप धूप में खड़े भी रह जाते हो ना, तो हमारा त्वचा जो होता है ऑटोमेटिक विटामिन डी को अब्जॉर्ब करता है, और वो जो है शरीर को और हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। उसके बाद आता है विटामिन ई। देखिए, विटामिन ई जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ तत्वों को नष्ट होने से बचाता है। देखिए, कुछ तत्वों को नष्ट होने से इसका कार्य होता है बचाना। इसमें कहाँ पाया जाता है? ये सभी अनाज, दाल और वनस्पति तेल में जो है ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष विटामिन के, देखिए ये चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करता है। ये काम होता है विटामिन के का। याद रखना कि अगर चोट उट लगती है तो जो ब्लड को थक्का बनाता है वो उसका काम जो होता है विटामिन के का। कहते हैं आंतों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है ये। ठीक है, ये हरी पत्तेदार सब्जी, अंडे और जिगर में पाया जाता है। देखिए, जो मांसाहारी हैं वो अंडे और जिगर खा सकते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा के इस विटामिन के को जो है मात्रा को पूरा कर सकते हैं। वो जो हमने पढ़ा था वो था जो है भाषा में घुलनशील विटामिन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के कार्य और स्रोत। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है तो इसमें यही आता है सबसे पहले विटामिन बी। इसमें कॉम्प्लेक्स कुल 8 विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, जैसे थायरामीन, ठीक है, राइबोफ्लेविन्स, नायसिन आदि बहुत से होते हैं जिसके बारे में हम आगे करेंगे। इसका कार्य यही होता है दोस्तों कि शरीर में शर्करा के उपयोग में सहायक होता है। स्नायु स्थान को सामान्य काम करने में मदद करता है। स्नायु जो आपके पैरों के घुटनों में होती है, ठीक है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, उचित वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। रक्त में लाल कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, रक्त में लाल, लाल का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, यानी RBC की बात कर रहा है, यानी जो आपके बॉडी में जो आपका खून लाल होता है उसके बनाने में जो है विटामिन बी का कार्य होता है। यानी ये विटामिन बी जो होता है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो होता है ब्लड रेड दिखता है। और इसका स्रोत देखिए कोई खास नहीं है, जिगर, मुर्गी, मांस, मछली, अंडे और साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और दूध। जो शाकाहारी हैं उनको साबुत अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की आवश्यकता होती ही होती है, और जो नहीं खाते हैं उनका जो है सुचारू रूप से बॉडी कार्य नहीं कर पाता है। उसके पश्चात है विटामिन सी।
ठीक है, ये जो है जल में घुलनशील है विटामिन सी, तो ऐसे तत्व के निर्माण में सहायक होता है जिसमें तंतु और कोशिका जुड़कर रहती है। ठीक है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मजबूत दांत और हड्डियों के लिए भी आवश्यक होता है ये, इसमें हीमोग्लोबिन को बनाने में भी सहायक होता है और शरीर में अन्य पोषक तत्व को उपयोग में मदद भी करता है। कहते हैं रोग को कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता में भी मदद ये करता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वही होता है रसदार फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद आदि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें के बाद जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, अंकुरित दालें जैसे चना, चना को अंकुरित करके भी आप खाओगे तो आपको विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हम कुछ और ही खाएं, ये भी जो है साधारण है, आंवला भी खा सकते हो, संतरा भी खा सकते हो, नींबू, अमरूद, तभी तो कहते हैं जो मौसमी फल होते हैं उनको आप जो है अच्छे से और मज़े से खाओ। ठीक है दोस्तों, ये जो था हमारा लोग, बने रहिए और देखते रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर, तो मिस मत कीजिएगा कोई भी पार्ट, जो बच्चा कर गया पार्ट मिस वो रह गया ज्ञान उसका अधूरा, तो सोचिएगा मत, ही में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान श्री सेंटर से। ठीक है, दूसरे सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है, साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।